बारा विधानसभा क्षेत्र के कई सैकड़ों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। ईवा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पप्पू यादव के जो विकास की वादा है उसको देखते हुए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सेवा कार्य को देखते हुए बड़हरा विधानसभा के बखोरापुर और नेकनाम टोला के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने युवा जिला अध्यक्ष रघुपति यादव के नेतृत्व में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। जी, हम लोग पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के सदस्यता अभियान जो चला रहे हैं, आज बड़हरा क्षेत्र के बखोरापुर पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग, नकनाम टोला बखोरापुर के लोग, आज करीब 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 200 नौजवानों और बूढ़ बुजुर्गों ने पार्टी का दामन थामे हैं। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके आने से पार्टी की रीढ़ और मजबूत होगी। जो जो जोश देखा जा रहा है इन नौजवानों में, बुजुर्गों में, लोगों में, निश्चित तौर पर आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में एक मुहिम चल रहा है, सदस्यता अभियान। लोगों की जागरूकता भी फैला रहे हैं कि नेता कैसा चुनना चाहिए, आपको बेटा चुनना है कि नेता चुनना है, एक सेवक चुनना है आपको। तो इस तरीके से एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, जो भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के बखोरापुर ग्राम में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी युवा, नौजवान, बुजुर्ग लोग जुट रहे हैं, एक पप्पू यादव जी के अलग देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके समाज सेवा को देखते हुए, पटना की बाढ़ हो या आज जो बांध टूटा हुआ है, आज कई बांध टूटे हुए हैं, उस में जो बाढ़ में लगातार मोटरसाइकिल से, बुलेट से, पैदल, नाव से जो रात दिन में लोग लगे हैं। सर, बड़हरा विधानसभा में